आ जाओ भाई, द हिंदू के डेली पोस्टमार्टम की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है अमन, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आप देख रहे हैं YET, योर इंग्लिश ट्यूटर। हर रोज़ मैं आपके साथ द हिंदू के एक आर्टिकल को डिस्कस करके इसके ग्रामर रूल्स, वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अलग निकाल करके नोट्स बनवा देता हूँ, आपके दिमाग से इंग्लिश के डर को निकालने की कोशिश करता हूँ। इसी कोशिश में आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल को हम लेने वाले हैं, चैलेंजेस चैलेंज। अच्छा लिखा हुआ है, USA की पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, बहुत रिच है वोकेबलरी में। साथ ही इस एडिटोरियल के दौरान मैंने कुछ ग्रामर रूल्स को अलग से लिस्ट किया है, ध्यान से देखें। फटाफट से शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। चैलेंजर्स चैलेंज, चैलेंज होती है चुनौती, चैलेंजर होता है चुनौती देने वाला। इसके आगे ये देख रहे हो ना छोटा सा एक कोमा, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, उल्टा कोमा ऊपर की तरफ, अपोस्ट्रोफी इसके बाद में एस लगा के हम बताते हैं किसी का। तो चैलेंजर्स का मतलब चैलेंजर का। तो कह रहे हैं जो चैलेंजर है, जो चुनौती देने वाला है, उसके सामने क्या चैलेंज है। बात कर रहा है ट्रंप के सामने खड़े होने वाले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की, जो ट्रंप को चुनौती देगा। कह रहा ऑन ट्रंप्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पूरा एडिटोरियल है ट्रंप के डेमोक्रेटिक जो राइवल्स हैं, वैल्यू बोल दिया ना मैंने, राइवल्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उसके प्रतिद्वंदी हैं, राइवल्स हैं, ओपोजिशन वाले हैं, उनके ऊपर है। एडिटोरियल के बारे में और अच्छे से जानना हो तो मालूम चलता है हमें इसके टाइटल पैराग्राफ से, दो लाइन का ये होता है। कह रहा बर्नी सैंडर्स नीड्स टू वाइडन हिज सपोर्ट बेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्रिंसिपल्स। कह रहा जो आदमी है ना बर्नी सैंडर्स, इसको ज़रूरत है किसी काम करने की, नीड्स, अच्छा क्या ज़रूरत है, कि ये वाइडन कर दे, वाइड मतलब चौड़ा करना, वाइडन मतलब और चौड़ा कर देना और फैला देना, अपने किसको, सपोर्ट के बेस को, जिस बेस पे, जिस आधार का इसको सपोर्ट है। और वाइड कैसे करेगा, कह रहा बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए इसकी वैल्यूज़ पे, इसके प्रिंसिपल्स पे, है ना, जो इसके रूल बने हुए हैं, वैल्यूज़ बनी हुई हैं, जो इसके संस्कार है उसके ऊपर। सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सब्जेक्ट है बर्नी सैंडर्स, प्रॉपर नाउन, नीड्स है इसकी वर्ब, सेंटेंस बना हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अकेले अपने साथ एस या ईएस को लेकर के। और इस सेंटेंस में कुछ है नहीं ज़्यादा, सेंटेंस की पार्सिंग अगर आप करना चाहें तो मैंने हर सेंटेंस का आज सब्जेक्ट ग्रीन और वर्ब कर दिए जो है पिंक के अंदर, आप भी कर सकते हैं, बाकी के वर्ड्स को देखने की कोशिश करें, सब्जेक्ट वर्ब मैंने आपको हर सेंटेंस का बता दिया है। शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल पे, एक छोटी सी आपको समरी लिखनी है, हम हर रोज़ ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। कल जिन लोगों को मैंने समरी लिखने के लिए बोला था, उसमें जो बेस्ट समरी लिखी है, एक्चुअली बेस्ट नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग हैं अच्छे लिखने वाले, नम्रता पाटिल जी, उसके बाद नमिता पंत, इन दोनों ने बहुत अच्छी लिखी है, मतलब मैं बोलूँगा जो आप लिखना चाहते हो, जिस तरह का आपको लिखना है ना एग्जाम में, वो आप बेस्ट जो है ना वो जाकर के देख सकते हो, इन दोनों का चैनल पर इनके कमेंट्स रखें, जाकर के देखें। इसके बाद दीपा हैं, कोमल हैं, एकता हैं, और मज़े की बात क्या है, ये पाँचों की पाँचों गर्ल्स हैं, तो अपनी टॉप फाइव में गर्ल्स ही आती हैं। उसके बाद अजीत जी हैं और ओनम ओजस्वी हैं, ओनम अपने मेंबर हैं, स्पेशल मेंबर हैं चैनल के, इन दोनों ने बहुत अच्छा जो है ना कोशिश की है। अजीत की फ्यू मिस्टेक्स हैं उसकी समरी के अंदर, बट सिंपल सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से लिखता है अजीत, है ना, इतने अच्छे तरीके से कि आप जाकर के देखें, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते ना लिखनी, तो आपकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। ओनम जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है, पर कहीं कहीं उनका जो है ना मुद्दे से भटक गए, अच्छा लिखने वाले आदमी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, मुद्दे से भटक गए, इसकी वजह से मैंने इनको जो है टॉप फाइव में नहीं रखा है। कोशिश करें, कल मैं फिर से बताऊंगा, जिन लोगों की अच्छी समरी लिखी होगी ज़रूर से कोशिश आपको करनी है। छोटी सी एक समरी मैं आपको इस एडिटोरियल की अभी दे देता हूँ, हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अब वो जाने वाले हैं, मतलब उनका कार्यकाल टर्म पूरी होने वाली है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सीट से, उसके सामने कोई दूसरा आदमी है नहीं, अपना एडिटोरियल कह रहा है कोई दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी का आदमी उसके अपोजिशन में खड़ा नहीं है, सिवा किसके, बर्नी सैंडर्स के। अब बर्नी सैंडर्स क्या है, जितना सरफिरे ट्रंप साहब है ना उससे ज़्यादा सरफिरे ये हैं, है ना, पर दूसरे वे के अंदर, उस वे के अंदर जो कि पब्लिक को पसंद आने वाला है। अपने ये एडिटोरियल ये कह रहा है बर्नी सैंडर्स साहब पिछली बार आप हिलेरी क्लिंटन के सामने हार गए थे, मतलब उसके कारण जो है आप खड़े नहीं हो पाए, इस बार अच्छा मौका है आपके पास, पब्लिक भी आपके सपोर्ट में है, ट्रंप से बहुत लोग चिढ़ते भी हैं, कुछ आपके चैलेंजेस हैं जिनको आपको उभर के आना है, अगर आप उभर करके आए तो ट्रंप का इस बार कोई नंबर नहीं है। एडिटोरियल है पॉलिटिकल कमेंट्री, एनालाइज कर रहा है, मैं इसकी टोन क्या बोलूँगा, एनालाइजिंग। शुरू करते हैं, कह रहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मे बी एंजॉइंग द ऑप्टिक्स एंड बायलेटरल बिनोमी ऑन हिज मेडन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया, कोमा, कोमा लगा है ना तो रुक जाना, ज़्यादा जल्दी मत करना। प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारा सब्जेक्ट हैं, कह रहा हो सकता है, मे बी हो सकता है इंजॉय कर रहे हो सकता है मज़ा ले रहे हो, किसका, नज़ारों का, ऑप्टिक्स का।
और किसका, बाइलेटरल, दो तरफा जो बनोमी है। बनोमी क्या होती है, खुश मिजाजी, जो दो तरफा खुश मिजाजी है ना उसका, दो तरफा मतलब मोदी साहब और प्रेसिडेंट दोनों के बीच में। और कब, उसकी मेडन, उसकी पहली ऑफिशियल विजिट में इंडिया की तरफ, अकेली और पहली और आखिरी, समझ लो ना, मेडन विजिट जो है उसकी इंडिया के अंदर। कह रहा हो सकता है ये हो रहा हो, बट लेकिन ही मस्ट बी अवेयर, उनको इस बारे में अवेयर होना चाहिए, होना ही चाहिए उनको बारे में इसके पता, दैट वो ये कि बैक होम, घर के अंदर, बैक होम द क्लॉक इज टिकिंग, जो घड़ी है ना वो टिक कर रही है, बहुत रफ्तार से वक्त निकलता जा रहा है। और किस चीज़ पे, ऑन हिज फर्स्ट टर्म इन ऑफिस, उसकी पहली टर्म में ऑफिस के अंदर, इस जो है प्रेसिडेंट के पोस्ट के ऊपर। समझ गए सेंटेंस को, कह रहा हो सकता है मजा ले रहे हों बायलेटर बोनमी का अपने पहले विजिट पे, पर इस बात का उनको पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए घर के अंदर उनकी जो समय है ना निकलता जा रहा है उनके पहले टर्म का ऑफिस के अंदर। सेंटेंस में अगर देखने वाली चीज़ हो तो कुछ भी नहीं है, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप और मे बी एंजॉइंग, ही और मस्ट बी और क्लोक एंड इस टिकिंग को पहचान लिया, ये तीन क्लोज आए हैं और तीन क्लोजेज कि क्या है, ये सब्जेक्ट और वर्ब्स। ये अगर आप कर पाते हो ना, मुझे आप पे पूरा विश्वास है 15 से 20 दिन के अंदर आप अपनी जो है ना, एज फार एज इंग्लिश जो है ना कंसर्न, आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो अगर आप ये कर सकते हो, ये जो मैं कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। बोनमी होती है खुश मिजाजी, बहुत बार मैंने वर्ड बताया आपको। ऑप्टिक्स क्या होते हैं, नज़ारे। ऑप्टिक्स जो रूट है ना, इसका मतलब होता है लाइट, इसी से बनता है ऑप्टिशियन, जो आपके आंख के देखने की, जो आपके नंबर हैं, जो ग्लासेज हैं उनको बनाता है ऑप्टिशियन, है ना, चश्मा बनाने वाला डॉक्टर। तो इसी से इस रूट को आप जो है नोट करें, ऑप्टिक्स को। कह रहे इंडीड, वास्तव में, मिस्टर ट्रंप्स डेमोक्रेटिक राइवल्स हैव ट्रेन देयर पॉलिटिकल गन्स ऑन हिज रिकॉर्ड इन ऑफिस फॉर सम टाइम नाउ। कह रहे वास्तव में क्या हो रहा है, इंडीड मिस्टर ट्रंप के जो डेमोक्रेटिक राइवल्स हैं, ऐसे प्रतिद्वंदी, ऐसे दुश्मन जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना, ये रिपब्लिकन होगा, तो कह रहे इसके जो डेमोक्रेटिक राइवल्स है ना, वो ट्रेन कर चुके हैं अपनी गन्स को, अपनी सियासी बंदूक को निशाने पे लगा करके बैठे हैं, समझो मेरी बात को। और किस चीज़ पे निशाना है, ऑन हिज रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड के ऊपर, कहाँ पे, इन ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर। और कब, फॉर सम टाइम, पिछले कुछ वक्त से, नाउ अभी। और कैसे कर रहे हैं ये, मेकिंग इट क्वाइट लाइकली, बनाते हुए इसको बहुत संभावित, दैट वो ये कि द नवंबर 2020 प्रेसिडेंशियल पोल विल बी प्रिसीडेड, जो नवंबर 2020 के चुनावी जो मुद्दे हैं ना, प्रेसिडेंशियल जो पोल हैं, चुनाव जो हैं, वो प्रिसीड होंगे उनके पहले, एक नई दूसरी चीज़ होगी, वो होगी बाय अ ब्लिस्टरिंग कैंपेन, एक कैंपेन होगा, एक अभियान होगा जो होगा बड़ा हॉट, बड़ा ब्लिस्टरिंग, बड़ा जो है ना एकदम जिसमें से धुआं निकल रहा हो। समझ के सेंटेंस को, थोड़ा सा सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ। ट्रंप के डेमोक्रेटिक पार्टी के राइवल ने अपनी गन्स को कर दिया तैयार उसके रिकॉर्ड के ऊपर ऑफिस के अंदर पिछले कई टाइम से, और ये कर रहे हैं वो, बनाते हुए इस चीज़ को बहुत लाइकली संभावित कि नवंबर 2020 का जो चुनाव है, प्रेसिडेंशियल पोल है, उससे पहले एक बहुत ही ब्लिस्टिंग सा कैंपेन, एक बहुत ब्लिस्टिंग सा अभियान चुनाव होने वाला है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पर। पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे, चलो वोकैबुलरी बाद में बताऊँगा, पहले मेकिंग पे आ जाओ। कई लोगों को मेरे से कन्फ्यूजन है कि सर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल बता दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल बता दिया, होते तो हम समझ गए क्या होते हैं, पर कब कौन सा यूज़ करना है और कहाँ पे कब दिया हो, मतलब देख करके वो पहचान नहीं पाते। जैसे कल मेरे से एक लड़के ने पूछा व्हाट्सएप पे, हैविंग एसिमुलेटेड गांधी आई बिलीव डेट वर्ड वॉज फुल ऑफ सोरोज, कुछ ऐसा वर्ड था, मतलब शुरू में हैविंग एसिमुलेटेड आ रहा था। मैंने उसको समझाया, यार तेरे को मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल बताया तो है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। फिर बोला अच्छा अच्छा सर ये वो है क्या, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों समझ नहीं पा रहे हो कि परफेक्ट पार्टिसिपल है ये, क्योंकि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, क्योंकि आप इसका मतलब और इसका यूज़ नहीं जानते हो। थोड़ा ध्यान से देखना, इसका मतलब और यूज़ दोनों समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में फ़र्क बताता हूँ। देखो मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ, शी फाइट्स विद मी एवरी डे मेकिंग माई लाइफ हार्डर, और मगर आपको ऐसा बोलूँ, हैविंग मेड माई लाइफ हार्डर शी फाइट्स विद मी एवरी डे, दोनों के अंदर आप सेंस समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथ बड़ा लड़ती है और मेरी जिंदगी को नरक बना रखा है, हार्ड कर रखा है ना, मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ। अब मैं इसमें परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या कहूँगा, ये जो दो काम है ना, मेकिंग माई लाइफ हार्डर और जो शी फाइट्स विद मी एवरी डे, ये दोनों साइमल्टेनियस एक्शन है। मतलब जब ये हो रहा होता है तब मेरी लाइफ जो है वो मेरे से फाइट कर रही होती है, जब ये फाइट कर रही होती है तब मेरी लाइफ हार्डर होती है, समझो साइमल्टेनियस एक्शन, एक एक्शन जो है एक एक्शन के साथ में दूसरा एक्शन हो रहा है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या कहता है, एक एक्शन के होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू होगा। अब वो पहले होने वाला एक्शन कौन सा है, जो मैं हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के एक्शन बनाता हूँ ना, वो होता है पहला एक्शन, दूसरा एक्शन होता है उसके बाद में आने वाले दूसरे क्लोज में। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो मेरे से रोज़ फाइट कर रही है मेरी लाइफ को हार्ड बनाते हुए, और दूसरे सेंटेंस में मैं बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ को हार्ड बना चुकने के बाद
अब वो मेरे साथ रोज़ फाइट कर रही है। दोनों में बहुत फ़र्क है। पहले सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि उसने कुछ ऐसा काम किया है मेरी ज़िंदगी को हार्ड बनाने का, उसके बाद वो मेरे से फाइट कर रही है। दूसरे में दोनों काम वो साइमल्टेनियसली कर रही है। समझ गए? प्रेजेंट पार्टिसिपल मेकिंग, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग मेड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार समझ लो, अच्छे से समझो, बार बार कन्फ्यूजन अच्छी नहीं लगती है ना। ग्रेजुएट हो गए आप सबके सब, ऐसी क्या कन्फ्यूजन रखते हो बच्चों वाली। चलो अब इसी सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका था, हैविंग वाला। कन्फ्यूजन इसलिए आती है, ये हैविंग कई बार बाद पहले नहीं आता, बाद में आता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, शी फाइट्स विद मी एवरी डे, ये वाला मैं पहले ले आऊँ और बाद में लगा दूँ हैविंग वाला, हैविंग मेड माई लाइफ हार्डर। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, दोनों सेंटेंसेज जो है ना ये एक ही हैं, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस जो उन्होंने पूछा था मैं समझा देता हूँ। हैविंग एसिमुलेटेड गांधी, आई बिलीव दैट वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ सोरो। गांधी को एसिमुलेट कर लेने के बाद, गांधी की एसिमुलेट करने मतलब है गांधी की टीचिंग्स को अपने अंदर समा लेने के बाद। एसिमुलेट मतलब सोख लेना। तो कह रहे गांधी जी की टीचिंग्स को अपने अंदर समा लेने के बाद, शिक्षाओं को सीख लेने के बाद, मैं ये मानता था दुनिया जो है दुखों से भरी हुई है। समझ गए ना, इस हैविंग एसिमुलेटेड का ये मतलब है यहाँ पे। चलो छोटा सा लेसन है, एक बार ले लो दिमाग में, रहे इस तरह से नोट्स बना करके रखना। प्रीसीड करना जानते हैं आप, प्री मतलब पहले, सीड मतलब जाना। सीड एक वर्ब होती है इंग्लिश के अंदर, लैटिन इटालियन या लैटिन जो है ना रूट है। सीड मतलब जाना, प्री मतलब पहले, सैटरे रूट होती है एक्चुअल में ना, इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं सैटरे वाली जो है ना रूट से। प्रोसीड आगे जाना, सक्सीड सक्सेस की तरफ जाना, एक्सीड जरूरत से आगे चले जाना, कंसीड हथियार डाल देना मतलब आगे जाकर के आत्मसमर्पण करना, रीसीड पीछे चले जाना। सैटरे नाम के रूट जो है ना ये बताएगी आपको आप किस रूट पे किस तरफ जा रहे हो, है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड प्रोसीड प्रोसीड ये ना एक साथ इनको याद करने की कोशिश करें। ब्लिस्टरिंग होता है ऐसा जो इतना गर्म हो जिसमें से भाप निकल रही हो, इसके लिए हमारे पास वर्ड है स्कॉर्चिंग एंड सिजलिंग। सिजलर आपने खाया होगा, इटालियन डिश होता है, जरूर को ट्राई करना किसी रेस्टोरेंट में जाके, अच्छे उसमें से धुआं निकल रहा होता है बहुत सारा, है ना, सिजलर। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं सिजलिंग हॉट। चलिए शुरू करते हैं आगे। कह रहा व्हाइल नो सिंगल कैंडिडेट स्टूड आउट प्रोमिनेंटली फ्रॉम अमंग द पैक थ्रू द सीजन ऑफ डेमोक्रेटिक डिबेट्स। कह रहे जहाँ कोई भी सिंगल कैंडिडेट जो है ना स्टूड आउट नहीं हुआ। देखिए स्टूड आउट करने का मतलब क्या होता है, स्टैंड मतलब खड़ा, आउट मतलब बाहर। जब लाइन में से बाहर आ जाते हो ना तो सबका फोकस आपके ऊपर होता है ना, आपको कहते हैं ना आप लाइन में से बाहर हो, इस जो है ना पूरे के पूरे हर्ड में से आप आगे हो। तो कह रहा है कोई भी सिंगल ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो स्टूड आउट हुआ, जो लाइन में से बाहर आया, हमें लगा बहुत एक्सेप्शनल है। प्रोमिनेंटली और कैसे, बहुत प्रोमिनेंटली आया, और कहाँ से, फ्रॉम अमंग द पैक, पूरे के पूरे ग्रुप में से, पैक में से। और कब, थ्रू द सीजन ऑफ डेमोक्रेटिक डिबेट्स, पूरे के पूरे सीजन के दौरान जो डेमोक्रेटिक डिबेट्स हुई हैं उसके। कह रहा है जहाँ ये ऐसा हुआ, कह रहा है सम सच एज कमला हैरिस ड्रॉप्ड आउट एंड द हर्ड वाज विनोड। कह रहा है कुछ एक जो जिनका नाम है कमला हैरिस ड्रॉप आउट कर गए, बाहर निकल गए, और क्या हो गया, जो पूरा का पूरा पैक था ना, हर्ड था, जो झूठ था, वो हो गया विनो। विनो करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का छन जाना। अगर आप गेहूं में से उसका अलग कर देते हो ना, शेफ अलग कर देते हो, अगर आप किसी किसान के बेटे हो तो आप जानते होगे, तो विनो करने का मतलब यही होता है ना, किसी चीज़ को अलग करके छान करके अलग कर देना। इस सेंटेंस का मतलब ये है कोई भी ट्रंप के सामने टिकने को तैयार नहीं है, कोई भी स्टूड आउट नहीं हुआ ट्रंप के सामने, और ये जो कमला हैरिस थे ये ड्रॉप आउट हो गए, इनका आगे आने के बहुत चांसेस थे, पर बाहर निकल जाने के कारण जो पूरा का पूरा हर्ड है ना अब छन गया है। चलो आगे बढ़े, वर्ड को नोट करें विनो को। कह रहे नाउ फ्रॉम अमंग द स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स द प्राइमरीज एंड कॉकसिस हैव हैंडेड द एच। कह रहे अभी फ्रॉम अमंग द स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स, मजबूत कैंडिडेट्स में से, और उनमें से भी अमंग फ्रॉम उनके अंदर से, है ना, फ्रॉम अमंग स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स हुआ क्या है, जो प्राइमरी नाम का ग्रुप है और जो कोकस नाम का ग्रुप है, ये दो ग्रुप्स हैं वहाँ पे, है ना, इन्होंने हैंड कर दिया है, थमा दिया है एज को। एज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की बागडोर समझ लो आप, है ना, उन्होंने एज दे दिया है, किसको दे दिया बागडोर, टू वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स मोस्ट स्ट्राइडेंट क्रिटिक्स, प्रेसिडेंट के सबसे कड़े सबसे स्ट्राइडेंट क्रिटिक्स में से एक को, टू वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स मोस्ट स्ट्राइडेंट क्रिटिक्स, उनका नाम क्या है, वर्मेंट सीनेटर बर्नी सैंडर्स, इनका नाम है ये, समझ गए ना, सब ने कॉकसिस ने और प्राइमरीज ने बर्नी सैंडर्स को बागडोर अपने हाथ में दे दिए, बोले अब तुम देखो ट्रंप से कैसे निपटना है। स्ट्राइडेंट वर्ड बहुत बार आया है, फिर मैं आपको सारे सिनोनिम बता रहा हूँ उसके, लाउड हार्श कैकोफोनस वर्सिफेरस, चारों का मतलब ये होता है आपकी ऐसी कोई चीज़ जो आपके कान को है ना आपको बहरा कर दे, इतना तेज हो आवाज़ के अंदर साउंड में। कैकोफनी तो आप जानते हैं, कैको मतलब खराब,
फोनस मतलब आवाज़ वाला, ऐसी चीज़ जो बड़ी कर्कश हो, हिंदी में बोलते कर्कश, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैको फोनस। समझ गया आप, इसमें और देखने वाला कुछ है नहीं। अगर किसी को अमेरिकन पॉलिटिक्स समझनी है तो वो समझ सकता है। प्राइमरीज एंड कॉकसेस दो तरह के ग्रुप होते हैं। प्राइमरी वो लोग हैं जो प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर जिनको जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है, और कॉकसेस वो हैं जो लोग सेलेक्ट करेंगे। समझ गए ना मेरी बात? प्राइमरी मतलब जो रेस में दौड़ रहे हैं, कॉकस मतलब जो पीछे नारे लगा रहे हैं। तो दो तरह के ग्रुप्स हैं वहाँ पे। चलो कह रहे, द सेल्फ प्रोफेस्ड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैज़ पुल्ड अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक। कह रहे जो सेल्फ प्रोफेस्ड है ना, सेल्फ प्रोफेस्ड मतलब अपने आप को प्रोफेस करने वाला, अपने आप को खुद कुछ कहने वाला है ये। और क्या कहने वाला है ये? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक पार्टी का सोशलिस्ट आदमी हूँ मैं, अपने आप को ऐसा कहने वाला जो आदमी है ना, इसने पुल अवे कर दिया है, इसने अपने आप को पुल कर दिया है, बाहर खींच लिया है। कहाँ से? फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक, बाकी बचे हुए झुंड में से। अब देखो ये रेस्ट ऑफ द पैक के नाम बताए हैं इसने, ये 15-20 आदमी है जो, और कब किया इसने? देखो हाइफन से, हाइफन के बीच वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ। कह रहा आफ्टर हिज विन इन रिसेंट नेवाडा कॉकसिस, बाद में उसकी विन के, उसकी जीत के, अभी अभी हाल में जो नेवाडा के अंदर, नेवाडा नाम के डिस्ट्रिक्ट में जो कॉकसिस हुए हैं उसके अंदर। समझ गए सेंटेंस को? इस आदमी ने अपने आप को पुल अवे कर लिया, सबसे बाहर निकाल लिया है इन सब लोगों से इस विन के बाद। अब आ जाओ इसके पीछे की मीनिंग पे। पुल अवे, बाहर निकाल लेना खींच करके। पुल अवे फ्रॉम द बैक करके क्या किया इसने? भीड़ में से अपने आप को अलग कर दिया। मतलब अब भीड़ हो गई एक तरफ, बर्नी सैंडर्स हो गया एक तरफ, सबका ध्यान बर्नी सैंडर्स के ऊपर है। और ये किया कैसे इसने? इन लोगों से बाहर आ गया और जीत करके नेवाडा के अंदर कॉकसिस नाम की चीज़ को। अब ये कुछ होता होगा अमेरिकन जो है पॉलिटी के अंदर, अपने ज़्यादा अंदर इसके नहीं जाएंगे, समझो ना, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कह रहे अमंग दोज फाइटिंग फॉर द नॉमिनेशन मिस्टर सैंडर्स परहैप्स स्टैंड्स द बेस्ट चांस। कह रहे उनमें से, और वो कौन लोग? अमंग दोज, वो लोग जो फाइट कर रहे हैं नॉमिनेशन के लिए, उम्मीदवारी के लिए, जो मिस्टर सैंडर्स है ना, इन लोगों में से शायद स्टैंड करते हैं, उनके पास है बेस्ट चांस सर्वाइव करने का, सबसे अच्छा चांस जिंदा रहने का। और कैसे? टो टू टो, कांटे की टक्कर में, टो टू टो बैटल में, किसके साथ? विद मिस्टर ट्रंप, ट्रंप साहब के साथ में। इतना समझ गए ना? अब आगे का सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। करे गिवन दैट, जो दिया गया देखते हुए वो ये कि करे लाइक हिज रिपब्लिकन चैलेंजर, अपने रिपब्लिकन चैलेंजर की तरह ही स्टैंड समवट एस्केंस ऑफ हिज पार्टीज मेनस्ट्रीम एथोस। वो स्टैंड करता है, वो रखता है कुछ एक एस्केंस को, तिरछी निगाहों को, कनखियों को, और किसके? उसके पार्टी के सबसे मुख्य धारा, सबसे मेनस्ट्रीम एथोस से। एथोस मतलब प्रकृति, स्वभाव, माइंडसेट। तो उसकी पार्टी में जो सबसे ज़्यादा मेन जो एथोस है ना, उसकी तरफ से थोड़ी सी कनखियाँ उसकी तरफ पड़ती हैं, स्टैंड करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए, शोइंग द मेटल, मेटल दिखाना अपना, अपनी टफनेस को प्रूव करना, अपना जो रुतबा दिखाना। तो पहला एग्जांपल देखिए इसके, उसने अपना रुतबा दिखाया। क्यों? टू टेक ऑन करने के लिए, अपोज करने के लिए वॉल स्ट्रीट के एक्सेसिस को, वॉल स्ट्रीट नाम के बाजार के वहाँ की जातियों को। और कह रहा है रादर देन, बजाय लीन ऑन देम फॉर फंड रेजिंग कॉम्बेट सपोर्ट, लीन ऑन करने के, सहारा लेने का उनका, फंड रेज करने के सपोर्ट के लिए। देखो सेंटेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा है, चिंता मत करो, ये सेंटेंस है, अभी इसके छोटे छोटे पीसीस हम करेंगे। कह रहे उन लोगों में से जो फाइट कर रहे हैं नॉमिनेशन के लिए, मिस्टर सैंडर्स जो है ना, शायद सबसे अच्छा स्टैंड चांस जो है ना, स्टैंड करते हैं, सबसे अच्छा मौका उन्हीं के पास है सर्वाइव करने का, टिके रहने का, एक कांटे की टक्कर, टो टू टो की बैटल में। और किसके साथ? मिस्टर ट्रंप के साथ। अच्छा, अब ये क्यों है, इसका रीज़न बता रहा है। कह रहा जो दिया गया देखते हुए, और वो दिया ये है दैट कि लाइक बिल्कुल अपने रिपब्लिकन चैलेंजर की तरह, मतलब मिस्टर ट्रंप की तरह, ये डेमोक्रेटिक है वो रिपब्लिकन है। कह रहा बिल्कुल ट्रंप साहब की तरह ही, जो कि रिपब्लिकन चैलेंजर है इनके, उसके पास स्टैंड करता है वो, उसके पास वो रखता है कुछ कनखियाँ भरी निगाहों को, तिरछी नज़रों को, आस्केंस को, है ना, और किसकी? उसके पार्टी के जो मेन एथोस है ना, जो उसके पार्टी का मेन माइंडसेट है उससे, मतलब पार्टी के मेन माइंडसेट से थोड़ा सा अलग ये व्यू रखता है, इसलिए इसके ऊपर तिरछी निगाहें हैं। और कैसे हैं ये? फॉर एग्जाम्पल, शोइंग हिज मेटल, उसने मेटल कर दिया अपने, शो कर दिया अपने मेटल को, अपने रुतबे को दिखा दिया, किसके लिए? टेक ऑन करने के लिए, अपोज करने के लिए वॉल स्ट्रीट के एक्सेसिस को, वहाँ की फाइनेंशियल मार्केट में जो बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े जो पूंजीपति लोग हैं ना, उनकी जातियों के सामने। कह रहे बजाय लीन ऑन करने के, सहारा लेने के लिए उनका, और किस काम के लिए? फंड रेजिंग सपोर्ट के लिए। समझ रहे हो? मतलब बड़े बड़े लोगों से पंगा लेकर के कह देता है तुम अपने उसमें हद में रहो, उनसे लीन ऑन कर करके पैसे मांगने वाला काम नहीं करता है, जो कि जिसके कारण उसकी पार्टी से उसको तिरछी निगाहें पड़ती हैं, आस्केंस पड़ती हैं।
इस सेंटेंस में बहुत सारी जो है ना वोकैब आई है, इस वजह से आपको थोड़ा पढ़ने में मुश्किल लग रहा है। सारी वोकैब मैं नोट करवा देता हूँ। जब टो टू टो आप किसी के साथ होंगे ना, तो वो होता है टू डाल डाल में पात पात, है ना, कांटे की टक्कर। सर्वाइव करना मतलब किसी चीज़ को झेलना, जो है किसी चीज़ को जो है आप जो टॉलरेट करते हैं। स्टैंड द चांस क्या होता है, चांस स्टैंड करने का मतलब होता है चांस रखना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, टू हैव अ चांस, है ना, मिस्टर स्टैंडर्स परैप्स हैज़ द बेस्ट चांस, वो भी मैं लिख सकता था। पर स्टैंड हम लिखते हैं अच्छी जो है ना, अच्छे लेवल की इंग्लिश के अंदर हम हैव को स्टैंड लिखते हैं, चांस के आगे आप लगाएंगे हमेशा। दूसरा देख लो, स्टैंड द आस्केंस, इसको भी मैं लिख सकता था हैज़ द आस्केंस। आस्केंस क्या होती है, जब मैं आपसे पूछूं टेढ़ी निगाहें करके, यार ये क्या कर रहे हो, है ना, वो होती है आस्केंस, मतलब कनखियां बोलते हैं, साइडवेज ग्लैंस। एथोस क्या होती है, आपकी आइडियोलॉजी, आपके विचारधारा, आपका नेचर, आपकी मेंटेलिटी, आपकी वैल्यूज, आपके संस्कार। तो पार्टी के संस्कारों से इसको थोड़े से टेढ़ी निगाहें मिलती है कि पार्टी के संस्कारों से बाहर जा रहा है। शो समवन्स मेडल अप करता है कोई इंसान, तो वो अपने रुतबे को दिखाता है, दिखाता है मैं कितना बड़ा बैडएस हूं, मैं कितना जो है आपको परेशान कर सकता हूं। टेक ऑन भी एक फ्रेजल वर्ब है, किसी को अपोज करना, किसी को चैलेंज करना, किसी को चुनौती देना। लीन ऑन का मतलब है किसी के सहारे जाना, किसी के चिपक जाना, कहना कि मेरे को हेल्प कर, लीन ऑन करते हो, उसका सहारा लेते हो। लीन ऑन से रिलेटेड ही एक मैंने आपको फिक्स प्रपोजिशन कली करवाई है, क्लिंग टू, है ना, खबरी पे याद होगा आपको, वो इसका सिनोनिम है, किसी का सहारा लेना है, किसी पे लीन ऑन करना। बोल रहा हूँ आज बहुत सारी वोकैब आई है, अच्छे लेवल का एडिटोरियल है, ध्यान से समझें, ऐसा एडिटोरियल दो दिन में एक बार आप जो ना सीखते हो, वो एक बार में सिखा जाएगा आपको। कह रहा है दिस स्ट्रेट गोज़ वेल विद द अपरेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोटर मूड। कह रहा है जो ये ट्रेट है ना, ये जो इसका गुण है, गोज़ वेल होता है, बड़ा अच्छा जाता है, बिल्कुल ठीक करता है, और किस काम के लिए, विद द जो अपरेंट, जो जाहिर तौर पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोटर मूड है ना, एंटी इनकम में से ही जानते हो ना आप, जब आपके पास सरकार से आप बोर हो जाते हो और कहते हो यार इस सरकार को तो उखाड़ करके फेंकेंगे, तो वो होती है एंटी इनकमेंट मूड या एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोटर मूड। तो कह रहा है ये इसका गुण बड़ा बड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से वोटरों के एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड के साथ जा रहा है। कह रहा है कोमा लगा के सेमी कॉलम लगा के, इंडीड इट वॉज दिस मूड दैट मिस्टर ट्रम्प मास्टरफुली टैप्ड इनटू टू विन द 16 इलेक्शन। कह रहा वास्तव में यही वो मूड था, इट वॉज दिस मूड, यही वो मूड था जिसमें ट्रम्प साहब ने बड़े मास्टरफुल तरीके से, बड़े कलात्मक तरीके से टैप इनटू किया, फ़ायदा उठाया विन करने के लिए 2016 के इलेक्शन का। मतलब 2016 में भी ट्रम्प साहब ने एंटी इनकमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड का फ़ायदा उठाया, इस बार ये भी उठा सकता है सैंडर्स नाम का आदमी। ट्रेड क्या होता है, आपका कोई गुण, वर्च्यू बोल दूंगा, फीचर बोल दूंगा, करेक्टर बोल दूंगा, है ना। दूसरा इसमें आया टैप इनटू, कल मैंने आपको, कल तो नहीं शायद 5 दिन हो गए, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब बताया था। टैप क्या होती है, फॉसेट, फॉसेट होता है ना आपके घर में, टूटी होती है ना, उसको बोलते हैं टैप, नल को। तो फॉसेट को जब आप इनटू करते हो, आपने बड़ी सी टंकी के अंदर एक टैप लगा दिया, फॉसेट लगा दिया, उसको खोल दिया, अब उस टंकी के अंदर जो लिक्विड है उसका फ़ायदा उठाओगे। टैप इनटू करने का मतलब यही होता है, किसी चीज़ का जिसको किसी ने यूज़ नहीं किया हो, आप टैप करके फ़ायदा उठा लो, टैप इनटू मतलब फ़ायदा उठाना। बढ़े आगे, कह रहे द चैलेंज फॉर मिस्टर सैंडर्स एंड विच ही अपीयर्स टू बी ग्रेजुअली समाउटिंग आफ्टर परहैप्स लर्निंग फ्रॉम हिज नॉमिनेशन लॉस टू हिलेरी क्लिंटन इन 2016। इस ये पूरा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चैलेंज की वर्ब यहाँ पे आई है। कह रहे जो चुनौती है मिस्टर सैंडर्स के लिए, कह रहे एंड जो कि विच ही अपीयर्स टू बी ग्रेजुअली, वो अपीयर होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे सरमाउंट करता हुआ, धीरे धीरे जीतता हुआ जिस जो है चुनौती के ऊपर, और कब, शायद आफ्टर जो उसकी लर्निंग जो उसको मिली 2016 के अंदर हिलेरी क्लिंटन के सामने, जो उसको नॉमिनेशन लॉस हुआ उससे। कह रहा है उसके बाद चुनौती को जो एक करता भी आ रहा है, अब वो चुनौती क्या है, इस टू डीपन हिज पॉपुलैरिटी अमंग माइनॉरिटीज, डीपन करने की और घराने की अपनी लोकप्रियता को माइनॉरिटीज के बीच में, अमंग माइनॉरिटीज। अब ये कौन है, अफ्रीकन अमेरिकन, लैटिनोस एंड अदर एथनिसिटी, ये तीन तरह के, तीन नस्लों के लोग। एथनिसिटी क्या होती है, आपकी रेस, आपकी नस्ल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है क्योंकि इसने क्या बोला है, चैलेंज हो ना, ये इतना जो है ना, इसके बाद सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं सेंटेंस पढ़ूंगा ना तो ऐसा बनेगा, द चैलेंज फॉर मिस्टर सैंडर्स इज टू डीपन हिज पॉपुलैरिटी अमंग माइनॉरिटीज। अब ये बीच वाला है ना, इस चैलेंज के बारे में इसने कुछ बता दिया, कह रहे जिसको ये लगता है ग्रेजुअली सरमाउंट भी कर रहा है और शायद लर्न करके अपने 2016 की उम्मीदवारी के लॉस से हिलेरी क्लिंटन के सामने 2016 में, इस तरह से सेंटेंस बनाए। अपीयर्स टू बी, सीम्स टू बी, अपीयर्स टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब मैं आपको करवा
चुका हूँ, डाल देता हूँ यहाँ, जिसको देखना हो जरूर से इस वीडियो को 5 मिनट में सीखें। सर माउंट करना मतलब किसी चीज़ पहाड़ पे चढ़ करके उस पहाड़ पे फतह पाना, माउंट आ रहा है ना इसके अंदर। तो किसी बड़े मुसीबतों के पहाड़ पे चढ़ते हो तो आप सर माउंट करते हो, इसलिए सिनोनिम इसके होंगे विनिंग, किसी को डिफीट करना हराना, या कॉन्कर किसी चीज़ को विजय पाना, ऐसे सारे सिनोनिम्स याद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा नेवाडा डिफरेंस फ्रॉम द टू स्टेट्स, जो नेवाडा नाम की स्टेट है ना अमेरिका की, कह रहा है डिफर फ्रॉम करती है, फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम लगी हुई है डिफर के बाद में, कह रहा है ये अलग है बिल्कुल, और कैसे, दो स्टेट से, और कौन कौन सी है वो, आयोवा एंड न्यू हेमिस्फीयर, इन दो स्टेट से। अब ये दो स्टेट कौन सी हैं, देखो दैट लगा के इनके बारे में बता रहे हैं, दैट वेंट टू इनटू कॉकसिस एंड प्राइमरीज, जो कि वेंट इनटू हो गई, चली गई कॉकसिस और प्राइमरीज के चुनावों के अंदर, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब आयोवा तो गई कॉकसिस में और न्यू हेमिस्फीयर गया प्राइमरीज में रिस्पेक्टिवली, और कब, बिफोर इट, इससे पहले। तो नेवाडा जो है इन दो स्टेट से डिफर करता है, जो कि बिफोर इट, इससे पहले इस तरह से अंदर गई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ध्यान रखना। अब कह रहा है कैसे डिफर करता है, कोमा लगा के बता रहा है, इन दैट, इसके अंदर की, अब दैट के बाद वो बताएगा कौन सी चीज़, इट इज़ कंसिडरेबली मोर रेसली डिवर्स, ये जो है ना बड़ा कंसिडरेबली, बड़ा इंपॉर्टेंटली, बड़ा सिग्निफिकेंटली है ना, रेशली नस्ली तौर पे बड़ा डाइवर्स है, बड़ा विविधता वाला है, मतलब कई तरह की नस्लें, कई तरह की रेसेस यहाँ पे रहती हैं, और कैसे, विद 35% नॉन वाइट पॉपुलेशन, 35% वहाँ की पॉपुलेशन नॉन वाइट है, अंग्रेज नहीं है, समझो सेंटेंस को। तो ये ऐसे सेंटेंस बना है, अगर मैं इसको तरीके से बनाऊँ ना तो ऐसा बनता है, नेवाडा डिफर्स फ्रॉम द टू स्टेट्स आयोवा एंड न्यू हेमिस्फीयर, इन दैट इट इज़ कंसिडरेबली मोर रेली रेशली डिवर्स, ये इन दैट को थोड़ा सा लगता है आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो कह रहे डिफर्स फ्रॉम इन दैट, डिफर करता है इसके अंदर, अब किसके अंदर, दैट के बाद इसने पूरा क्लोज बता दिया, कंसिडरेबली डिवर्स है, समझ गए सेंटेंस को, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, और इसमें कुछ देखने वाला नहीं है, डिफर के बाद फ्रॉम लगा करके आप बताते हैं किस चीज़ से आप डिफर करते हैं, फिक्स प्रपोजिशन के अगले पार्ट के अंदर ये डिफर में ये वाला जोन में वो अब लेंगे। कह रहे द टाइमिंग्स Could not be have been better for Mr. Sanders too. कह रहा जो वक्त है ना वो नहीं हो सकता था और अच्छा और बेहतर मिस्टर सैंडर्स के लिए भी, टू भी। अब देखो could not have been, could have been, should have been, would have been, मैंने आपको 2 दिन पहले समझाया था, जिन लोगों ने देखा है वो जाकर के अभी इसको मुझे जवाब करें, जिन्होंने नहीं देखा 2-3 दिन पुराना एडिटोरियल उठा लें, उसमें मैंने शुरू में ही पहले 10 मिनट में जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया, अगर मेरी बाइक ख़राब ना हुई होती तो मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता था, ये सेंटेंस को मैंने कुड हैव बीन से आपको जोड़ करके बताया था स्टोरी में, याद करें और इस सेंटेंस को अभी के अभी कुड हैव बीन यूज़ करके मुझे इंग्लिश में बना करके बताएं, डालें कमेंट सेक्शन में, गलत होगा तो सही कर दूंगा। कह रहे इन लेस देन अ वीक, एक वीक के से भी कम के अंदर, 15 स्टेट्स एंड टेरिटरीज विल वोट फॉर देयर प्रिफर्ड कैंडिडेट्स, 15 राज्य और टेरिटरीज वोट करेंगी, जो है मतदान करेंगी अपने प्रीफर्ड कैंडिडेट के लिए, अपने जो है पसंदीदा उम्मीदवार के लिए, कौन, ऑन अ सिंगल डे, सिर्फ एक ही दिन के अंदर, वो डे कौन सा है, देखो सुपर ट्यूसडे, ये इस डे का नाम रखा है इन्होंने। कह रहा है इंक्लूडिंग लार्ज रेसली डिवर्स स्टेट्स सच एज कैलिफोर्निया, जिसमें शामिल है बड़ी बड़ी लार्ज रेसली डाइवर्स स्टेट्स जैसे कि कैलिफोर्निया, डाइवर्स तो आप समझ गए ना, जिसमें अलग अलग तरह के लोगों, विविध तरह के लोगों, उसको हम कहते हैं डाइवर्स, है ना, वैरायटी वाला। तो कह रहा है ये 15 टेरिटरीज जो है ना वोट करेंगी, जिसमें शामिल है कैलिफोर्निया भी। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है इंक्लूडिंग पे, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था गोल्डन ग्रामर सीरीज पार्ट 1 के अंदर, एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट से, रिपीट करने से दिमाग में मेमोरीज बनती हैं आपको। इंक्लूडिंग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जस्ट अबाउट इंक्लूडिंग एज वेल एज बिसाइड्स, और भी होंगे एक दो, अभी मुझे इतने याद आ रहे हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके बाद में आप जो भी इनको यूज़ करने के बाद आपकी जो वर्ब है ना उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। आई एज वेल एज दे वॉन्ट टू ईट अ चॉकलेट, चलो मैं खाता नहीं हूँ, चलो लिख देते हैं फिर भी चॉकलेट, ठीक है, क्या हो गया भाई, चॉकलेट लिखना है, जस्ट अ मिनट ना, ठीक है।
आई एज वेल एज दे वॉन्ट टू ईट अ चॉकलेट। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे एस वाला एस को यूज़ किया बीच के अंदर, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट अपना ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है एज वेल एज यूज़ कर दिया ना आपने तो जो वर्ब आएगी ना वॉन्ट ये आएगी इस आई के हिसाब से, समझो मान लो ही लिखता हूँ यहाँ पे तो ये वर्ब जो है ना यहाँ पे वॉन्ट्स आएगा, ही के हिसाब से ये वर्ब बताएगी यहाँ पे क्या लगना है, दे जो है ना एज वेल एज के बाद में जो आ रहा है उसके हिसाब से आपके वर्ब पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इंक्लूडिंग होता ना इसके साथ में अगर एज वेल एज की जगह तो भी ये लगता, बिसाइड्स होता तो भी ये लगता। ध्यान रखें इन छोटे छोटे रूल्स को, बड़े काम के आते हैं आपके सेंटेंस एरर करेक्शन के अंदर। चल इफ़ ही परफॉर्म्स वेल कॉर्नरिंग अ बल्क ऑफ 1357 डेलीगेट्स अप फॉर ग्रैब्स, कह रहा है अगर वो परफॉर्म वेल करता है, ही किसके लिए लगा है, लगा है यहाँ पे मिस्टर सैंडर्स के लिए, कह रहा है वो सही परफॉर्म करता है और कैसे करता है, कॉर्नर करते हुए ज़्यादातर बल्क मेजोरिटी को 1357 में से डेलीगेट्स को। देखिए कॉर्नर करने का मतलब क्या है, उनको जो है खींच करके ज़बरदस्ती मजबूर करके एक कॉर्नर में ले आना है ना, तो वो कॉर्नर करते हुए इन डेलीगेट्स को, अच्छा किसके लिए, अप फॉर ग्रैब्स, अवेलेबल बनाने के लिए। अप फॉर ग्रैब्स मतलब आप सबके सब तैयार हैं ग्रैब करने के लिए, आप जो हैं बिल्कुल प्लेट में परोसे हुए हैं, आप सबके लिए अवेलेबल है। तो कह रहा है अगर वो ऐसा करता है तो कह रहा है इट मे वेल बिकम इम्पॉसिबल, ये हो सकता है इम्पॉसिबल बन जाए बिल्कुल, फॉर एनी ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक होपफुल्स टू इवन द स्कोर लेटर ऑन, कह रहा है किसी भी अदर एनी ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक होपफुल के लिए, ऐसा आदमी जो डेमोक्रेटिक पार्टी का और होप्स भी रखता है और किस काम के लिए, इवन करने के लिए स्कोर को बाद में, इवन द स्कोर करने का मतलब क्या है, बराबरी करना किसी चीज़ के बराबर में आना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो मैं आप बताऊँगा। कह रहे ये अगर सही परफॉर्म करता है कॉर्नर करते हुए ज़्यादातर को 1357 डेलीगेट्स में से, वहाँ के 1357 नेताओं में से, और कैसे कॉर्नर करेगा, उनको अवेलेबल बना देगा सबके लिए है ना, अपनी पार्टी में से उनको बागी करवा देगा। तो कह रहे ये जो है ना बन सकता है बहुत अच्छा, क्या बन सकता है, इम्पॉसिबल काम किसी भी दूसरे डेमोक्रेटिक आदमी के लिए जो बड़ा होपफुल है लेटर ऑन स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, स्कोर को बराबरी करने के लिए, मतलब इसके परफॉर्मेंस के बाद सारा का सारा पत्ता साफ है दूसरी पार्टी का। अब इस सेंटेंस में आ जाओ देखने वाली चीज़ के लिए, अप फॉर ग्रैब्स एक फ्रेज है, जब भी कोई चीज़ अप फॉर ग्रैब्स होती है मतलब वो चीज़ अब आपके लिए अवेलेबल है ना, अप फॉर ग्रैब्स। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया इफ़ आया, उसके बाद में एक क्लोज आया है, उस क्लोज में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया है। थोड़े दिन मैंने पहले बताया था आपको इफ़ जो है ना अपने साथ में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लेता, क्योंकि मगर मैं ऐसा बोलूँ इफ़ यू विल प्ले वेल यू विल बी एबल टू विन द गोल्ड, तो इसमें क्या होगा, एक तो इफ़ आ जाएगा, एक पहला इमेजिनरी टेंस आ गया फ्यूचर टेंस, फिर एक दूसरा इमेजिनरी टेंस आ गया फ्यूचर टेंस। इंग्लिश बोलती है दो दो टेंस फ्यूचर के, दो दो सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में हम एक साथ नहीं लेते हैं, हमें दो सेंटेंसेस में से एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना होगा। अब यहाँ पे ट्रिक ये है, आपको बदलना होता है इफ़ वाले क्लोज को है ना, दूसरे वाले को नहीं बदलना होता। तो मैं इसको अगर बदलना चाहूँ सही करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, इसको बना दूंगा प्ले को, विल प्ले को प्ले, इफ़ यू प्ले वेल यू विल बी एबल टू विन द गोल्ड। आपने देखा मेरे साथ जो है टेंसेस के एरर वाले पार्ट में, यहाँ डाल देता हूँ 10 मिनट की वीडियो देख लेना। तो यही आपको करना है हमेशा इफ़ के साथ में एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना उस क्लोज के अंदर सेंटेंस में फ्यूचर वाला क्लोज रखना है, इफ़ वाले क्लोज को इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट में ले आना है। अगर आप समझ रहे हो इतना तो मैं आपके पास दो सेंटेंसेस रख रहा हूँ, इनको आप बदल करके दिखाओ, मैंने सेंटेंसेस को जानबूझ के डिफ़िकल्ट बनाया है, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा किस क्लोज को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डालना है। आपकी एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज, अभी डालो कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए और तो कुछ इसमें है नहीं, होप फुल्स पे आ जाओ, ये बड़ा अजीब सा जो है ना वर्ड है होप फुल्स, लास्ट में एल लगा हुआ है, अगर मुझे यूँ बोलना हो तो होप्स फुल बोलूँगा ना, एस तो यहाँ आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कितनी चम्मच लोगे, मैं बोलूँगा 3 चम्मच लूँगा, 3 भरे हुए चम्मच शुगर के मैं लूँगा, तो मैं कैसा बोलूँगा, स्पून्स फुल, मतलब स्पून्स होंगे ना यहाँ पे 3 चम्मच होंगे, तो एक्चुअल में तो स्पून्स फुल बनना चाहिए, पर इंग्लिश क्या करती है जब भी ये फुल आता है ना लास्ट में तो फुल के बाद में एस लगाती है, उससे पहले वाले नाउन के बाद में एस नहीं लगाती है। तो अगर कोई स्पून्स फुल लिख रहा है ना तो वो गलत हो जाएगा, क्या होगा, स्पून फुल्स। वैसे यहाँ पे होप फुल्स है, होप्स फुल नहीं होगा, ये इंग्लिश का रूल है। कह रहे द बिग क्वेश्चन इज, बड़ा सवाल ये है, कह रहे विल ही देन सक्सीड इन कैरिंग इंडिपेंडेंट अनडिसाइडेड वोटर्स अलॉन्ग विद हिम, कह रहे हाँ के ना विल ही सक्सीड, यहाँ पे इंटरोगेटिव टेंस है, आपकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो सक्सीड होगा, क्या वो कामयाब होगा कैरी करने में, अपने साथ ले जाने में इंडिपेंडेंट और अनडिसाइडेड वोटर्स को, और कहाँ पे, अलोंग विद हिम, अपने साथ में ले जाने में, और कब, इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, चुनावों में, प्रेसिडेंट के चुनावों में। कह रहे एंड
कैन ही मूव स्विंग स्टेट्स इन हिज फेवर, क्या वो मूव कर सकता है, हिला सकता है ये खास तरह के स्टेट्स को अपने फेवर में, अपनी तरफदारी में। तो कह रहे बड़ा क्वेश्चन जो है ना वो यही है, वोटर्स को ले सकता है नहीं ले सकता, इन खास स्टेट्स को अपने फेवर में मूव करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। स्विंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इस स्टेट्स के बारे में कुछ बता रहे हैं। अमेरिका में कुछ 10-12 स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं, जिनके अंदर कभी सब थाली के बैंगन हैं, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ ये चुनाव में जाकर के वोटिंग कर आएंगे। इनको बोलते हैं स्विंग स्टेट्स इन USA। कह रहे इफ़ ही इज़ टू स्टैंड अ चांस ऑफ डूइंग डैट, कह रहे अगर वो इज़ टू M2R2, अगर वो स्टैंड करने वाला है एक चांस को, अगर वो पाना चाहता है एक मौके को डूइंग डैट, ऐसा करने के, कह रहे मैनी थिंक, ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, ही मे नीड, उसको ज़रूरत हो सकती है टू कंसीडर, इस बारे में सोचने की, और क्या मॉडरेटिंग व्हाट बूटी गिग डिस्क्राइब्ड, मॉडरेट करने की, मॉडरेट करना मतलब किसी चीज़ को आसान बनाना, किसी चीज़ को जो है ना ठंडा करना, तो वो कंसीडर करे, उसको ज़रूरत हो कंसीडर करने की, मॉडरेट करे वो, जिसको इस आदमी ने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, और कैसे, एज अ डॉगमेटिक बिलीफ इन एन इनफ्लेक्सिबल आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, एक ऐसे बिलीफ की तरह है, एक ऐसे जो है आपकी मानना की तरह, धारणा की तरह है, जो डॉगमेटिक है, जो कि आपकी पर्सनल है, और कहाँ पे एक इनफ्लेक्सिबल, एक ना मुड़ने वाले आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में, एक क्रांति में जो कि विचारधाराओं की है, और वो क्रांति वो है दैट लीव्स आउट मोस्ट डेमोक्रेटिक्स, जो कि लीव आउट कर देती है, छोड़ देती है ज़्यादातर डेमोक्रेट नाम की पार्टी के लोगों को, नॉट टू मेंशन, बात ही नहीं कर रहे हम मोस्ट अमेरिकन्स की, जिनको भी ये छोड़ देती है। सेंटेंस इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो नहीं सकता, आज आपने देख लिया है इसका जो है ना टॉप, जो पिनाकल देख रहे हो आप, अगर आप किसी सेंटेंस को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, एक बार रिपीट करता हूँ फिर आप देखो कितने छोटे छोटे पीसेज में आपको उसको तोड़ करके समझा रहा हूँ। अगर उसको स्टैंड करना है एक मौके को ऐसा सब करने के लिए, तो क्या करना होगा, कह रहे मैनी थिंक, ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, उसको हो सकता है ज़रूरत हो, मैं मतलब हो सकता है, हो सकता है उसको ज़रूरत पड़े, नीड पड़े कंसीडर करने की कि वो मॉडरेट कर दे, मानने की इस चीज़ को कि वो मॉडरेट करे, थोड़ा सा धीमा करे, और किसको, जिसको इस आदमी ने वर्णित किया है, डिस्क्राइब किया है एक डॉगमेटिक बिलीफ की तरह, एक ऐसे बिलीफ की तरह जो कि उसका खुद का है, जो कि उसकी ओपिनियन से रिलेटेड है ना, डॉगमेटिक है, और कहाँ पे एक ऐसी क्रांति में, रिवोल्यूशन में जो इनफ्लेक्सिबल है और आइडियोलॉजिकल है, जो बदल नहीं सकती और बिल्कुल विचारधाराओं से प्रभावित होने वाली है, आइडियोलॉजिकल है। अब ये कौन सी क्रांति है, जो कि लीव आउट करती है ज़्यादातर डेमोक्रेट्स को, जो कि जो समझ में नहीं आती ज़्यादातर डेमोक्रेट्स को, और कह रहे बात तो हम कर ही नहीं रहे अमेरिकन्स की, उनको तो बिल्कुल नहीं आती है मोस्ट अमेरिकन्स को। कहने का मतलब ये है कि अगर उसको कुछ करना है ना, तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अपने सर फिरे ख्यालों को आप मॉडरेट कर दें, डोगमेटिक बिलीव्स को आप जो है ना धीमा कर दें, सबके सामने जो है बकने नहीं लग जाएं अपने ऐसे बिलीव्स को जो कि इनफ्लेक्सिबल हैं और इतने ज़्यादा आइडियोलॉजिकल हैं, जैसे वो करते हैं ना लोग अपने यहाँ पे, कई लोग कर जाते हैं ना जो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकली बातें कर जाते हैं कि इनको तो मार देना चाहिए, इनको तो काट देना चाहिए, ऐसी आइडियोलॉजिकल इनफ्लेक्सिबल बातों को ज़्यादा बके नहीं, ऐसे एक रिवोल्यूशन में जो किसी डेमोक्रेट के पहली बात तो समझ नहीं आता उसकी पार्टी के अंदर, और बाकी अमेरिकन की तो बात ही मत करो, उनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता, समझ रहे हो, अगर ऐसी चीज़ें जो किसी को समझ नहीं आती, वो सुनने में बुरी लगती है, आप उस बिलीफ को छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। पीछे का मीनिंग बता रहा हूँ इस सेंटेंस के, और इसमें कुछ देखने वाला नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कह रहे टू रीच आउट टू द वाइडर वाटर बेस विदाउट लूजिंग हिज कोर सपोर्ट इज द चैलेंज बिफोर मिस्टर सैंडर्स, रीच आउट करना, जा करके मिलना उस बड़े वोटर बेस से बिना खोए अपने बेसिक सपोर्ट को, कोर सपोर्ट को। कह रहे जो रीच आउट करने का काम है ना, टूल लगा के बता रहा है, कह रहे ये है चैलेंज, चुनौती मिस्टर सैंडर्स के सामने। लास्ट सेंटेंस में अगर आप ध्यान दो तो इसका सब्जेक्ट है ये इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जनरली सब्जेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव को आप जेरेंड से जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं आपको ऐसा भी लिख सकता था रीचिंग आउट, टू रीच आउट की जगह मैं रीचिंग आउट भी लिख सकता था। 90% केसेस के अंदर आप इन्फिनिटिव को जेरेंड से जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं, 10% केसेस में नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको कभी भी नहीं बताता हूँ इन्फिनिटिव आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि आप उसके जगह जेरेंड को रख सकते हैं। चलिए आज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आई होप कि उतना कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं रहा हो, एक छोटी सी समरी, आपने अब इतना टाइम मेरे साथ गुजारा है तो ज़रूर से लिखने की कोशिश करें, हिंदी में
आप जितना सोच सकते हो ना, जैसा लिख सकते हो आप लिखने की कोशिश करें। और अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया चाहिए कैसे लिखना है, तो मैंने आपको नाम्स बताए हैं ऊपर, उन लोगों के कमेंट्स को जाकर के पढ़ें, खासकर जैसे अजीत का कमेंट है, ओनम का कमेंट है, नमिता का कमेंट है, उन कमेंट्स से आपको देखने को सीखने को ज़रूर से मिलेगा। जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कल मुलाकात लूँगा फिर से किसी एडिटोरियल के साथ, दे तब तक के लिए इजाज़त, साइनिंग आउट।